गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 9 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। इस संबंध में सोसाइटी के सदस्य जालंधर स्थित दैनिक सवेरा कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, मुख्य सचिव मक्खन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सुनील मदान, खजांची सतीश मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी की और से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात की गई और उन्हें इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने हेतु निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि आने वाली 9 सितंबर दिन शनिवार प्रातः 11 बजे 11 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सोसाइटी 112 से ज्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और विवाह की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इसके अलावा बारातियों के लिए लाजवाब व्यंजनों का भी आयोजन किया गया। उन्होंने शहरवासियों और इलाके के सभी लोगों से इस समारोह में भाग लेकर जोड़ों को आशीर्वाद देने की अपील की। इस मौके पर एडवाइजर एसके कपूर, वरिंदर कपूर, कुलदीप भाटिया, बलदेव गुलाटी, विवेक मल्होत्रा, जितेंद्र मलिक भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी चौक अड्डा शहरपुर नजदीक रेलवे फाटक जालंधर विखे जो हर साल जरूरतमंद लड़कियां दे ब्याह करवाए जाते हैं उस संबंध में आज मीटिंग रखी है और सारे मैंबर असी इत्थे इकट्ठे हुए हैं। ये अब जो सलाह मशवरा जिवें असी प्रोग्राम नूं अगो अच्छे ढंग नाल बनाउणा चलाउणा है उहदे बारे विचारां कीतियां गईआं और साडा जिहड़ा इह प्रोग्राम है हर साल चलदा है। इस वारे 13वां प्रोग्राम है और 6 सितंबर नूं मेहंदी दी रस्म होएगी और 7 सितंबर नूं जागो का होएगा, बड़े अच्छे ढंग से जागो भी कड़ी जाएगी और 8 तरीक का गुग्गा पीर का मेला होगा राम गुग्गा नौमी का और 10 तरीक न 9 तरीक न यह सारिया शादियाँ जिमें असं अगे कराने और जिमें साडे मैंबर इलाका निवासी सारे सानू सहयोग देंदे हन उन्होंने सहयोग नाल ये सारा अगे नालों अच्छे ढंग नाल होर असी करन दी कोशिश करांगे। साल दी तरह इस साल भी जरूरतमंद लड़कियां दे विआह कराए जाणगे उहदे विच हर एक भैन भरावां दे सहयोग नाल असी करीदे। जे असी कहीए असी कल्ले करदे आ असी कल्ले नहीं करदे, ऐ सारे भैन भरावां दे सहयोग नाल हुंदा है। उहदे विच असी 9 तरीक दे विआह रखे दे, 6 दी जागो है, 7 दी 6 दी मिहदी दी रसम है, 7 दी जागो है, 8 ਦਾ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 15 ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਬਈ ਕੁੜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਰਸ਼ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਿੱਕੇ ਓਮ ਸ਼ਾਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰਸਮ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਰਫ ਫਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਫੈਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
और इस साल भी ये करन जा रही है। और असी अपने सारे इलाका निवासियों नूं ये बेनती करना चाहते हैं कि जो भी भैन भरा अपना इस पुन के काम में योगदान पाना चाहन वो ओमशाह गारमेंट जाके संपर्क के उत्थे जो भी अपनी राशि देन उसकी रसीद जरूर लैन जी। सोसाइटी रजिस्टर अड्डा हुशियारपुर चौंक हलो की ओर से आज एक मीटिंग रखी गई है जो कि गरीब लड़कियों ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी के उपलक्ष्य में था प्रोग्राम, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जो कि हमने प्रोग्राम रखा है 9 सितंबर को लड़कियों की शादी रखी गई है, जिसमें हम जो लड़कियां होती हैं उनको ज़रूरतमंद जो भी घर का घरेलू सामान होता है हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और ताकि वो अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकें। हमारी जो सोसाइटी है लगातार 13 साल हो गए हैं ऐसे प्रोग्राम कर रही है, 13वां इस बार का है, और हम सभी लड़कियों को ज़रूरतमंद सामान देते हैं। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर जलंधर वालों 13वां विवाहिक सामूहिक विवाह समारोह जो मनाया जा रहा है, सारे इलाका निवासियों को बेनती है कि तुम कृपा करके हम आके पुजो तो इस पुन के काम में अपना हिस्सा पा के पुन के भागीदारी बनो। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों इस साल समूहिक विवाह कराए जा रहे हैं, जिन्हों 12 लड़कियां का विवाह करवाए जा रहे हैं, जिन्हें 112 लड़कियां का विवाह पहले किए गए हैं। 8 तरीक नूं गुग्गा बनौमी का मेला होएगा, 9 तरीक नूं गुग्गा पीर का मेले तो बाद विवाह रखे गए हैं जिहड़े असीं सारे ने रल के करवाने ने। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर फाटक जलंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, जिस दे विच जरूरतमंद लड़के लड़कियां दे विवाह किए जाते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, जिस दे विच 6 सितंबर नूं मेहंदी की रसम, 7 सितंबर नूं जागो, 8 सितंबर नूं गुग्गा पीर जी दे मेले दे उपरांत 9 सितंबर नूं समूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हो, ते नाल ही जे किसी ने संपर्क करना हो तो ओम नमः शिवाय गारमेंट्स के उत्ते जाकर संपर्क कर सकते हैं।